आज हम जानेंगे कि लेट गो कैसे हेल्प करता है हमारी हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो सकती है, आपकी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यूनिवर्स हमेशा बोलते हैं, आई विल कम टू यू व्हेन यू विल लेट इट गो। मतलब आपकी डिजायर आपके पास आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। आपकी डिजायर ये बोलती है कि मैं आपके पास जरूर पहुंच रहा हूँ, बट आपको पहले मुझे मुझसे रिलेटेड सारे डर छोड़ने होंगे, मुझसे रिलेटेड सारी नेगेटिविटी दूर करनी होगी, तभी मैं उस तरह से आपके पास आ पाऊंगा जिस तरह से आप मुझे अपने पास लाना चाहते हो। तो जब आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, आप लोग में से बहुतों का मैसेज आता है कि नहीं, मैंने लेट गो कर दिया, मैंने लेट गो कर दिया, बट स्टिल आप उसी चीज़ के बारे में बात करते रहते हो। मेरे पास 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि मैंने ये टेक्निक की और फिर मैंने लेट गो कर दिया, अब मैं वापस दूसरी टेक्निक करूँ क्या उस चीज़ के लिए। लेट गो मतलब लेट इट गो, उस चीज को जाने दो। इतना विश्वास रखो कि वो चीज तुम्हारी है, तुम्हारे पास आके रहेगी। इस विश्वास के साथ उसके उससे रिलेटेड जो भी डर है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थॉट है, वो सब खत्म करो, उसको यूनिवर्स में फेंक दो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये डर, मुझे नहीं चाहिए जरा सी भी नेगेटिविटी, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मेरे पास आने वाली है। लेट गो इस तरह का भी होता है कि आप अपनी टेक्निक्स करते हो और फिर आप दिन भर उस चीज के बारे में नहीं सोचते, और आप रात में फिर से अपनी टेक्निक्स करते हो और उसको सो जाते हो और आराम से आप उसको छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह टेक्निक की, दिन भर आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, फिर रात को भी आपने टेक्निक की। इस तरह से आपका मैनिफेस्टेशन कभी वर्क नहीं करता है, क्योंकि आप तो जरा सा भी ट्रस्ट नहीं दिखा रहे इस यूनिवर्स पे, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, डिवाइन पावर्स पे, जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, आपके लिए हर चीज क्रिएट करने की ताकत रखता है ये यूनिवर्स। बस दरकार है उस पे विश्वास करने की। आपने सुना होगा ना, ये चीज तो आपने सुना होगा, दैट द यूनिवर्स सेज योर विश इज माय कमांड। आपकी विश उनका आदेश है, लाइक आपने मांगा और उन्होंने बोला तथास्तु, दिस इज वॉट योर विश इज माई कमांड। तो आपने जब मुंह से मांग लिया है ना, तो तथास्तु तो हो के रहेगा। बट दिन रात आप अगर ये बोलोगे कि मुझे देते क्यों नहीं हो, मुझे देते क्यों नहीं हो, कब आएगी, तब वो इरिटेट हो जाएंगे, तथास्तु के जगह कुछ और ही निकल जाएगा उनके मुंह से, समझ रहे हो। सोचो अगर आप देने वाले हो सबको, फॉर एग्जाम्पल अगर लोग आपसे मांगते और आप देते, और लोगों ने आपसे मांगा, किसी ने आपसे मांगा इस दुनिया में, समझ लो आप यूनिवर्स, और किसी ने आपसे मांगा कि भाई मुझे तो एक न्यू कार चाहिए, उन्होंने मेडिटेट किया, उन्होंने विजुअलाइज किया, आपको बता दिया कि कैसी कार चाहिए, लेकिन दिन भर वो आपको बोल रहे हैं अभी तक नहीं भेजी गाड़ी, अभी तक नहीं भेजी, कब आएगी गाड़ी, पता नहीं ये देगा भी कि नहीं देगा गाड़ी। क्या आपका मन करेगा उस इंसान को वो चीज देने का? नहीं ना। ऐसे ही यूनिवर्स है, अपनी डिजायर को आपने छोड़ दिया है यूनिवर्स में, उसके बाद उसको बांध के मत रखिए, उसको फ्री सेट करने दीजिए। भगवान को इतना विश्वास दिखाइए कि हाँ भाई मुझे पता है, अगर तुमने मुझे क्रिएट किया तो तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, और मुझे पता है मैं, मुझे जो चाहिए वो मुझे अपने आप मिल जाएगा। जब आप इस तरह का बिलीव दिखाते हो, इस तरह का विश्वास दिखाते हो ना, तो यूनिवर्स आपकी चीज, आपके डिजायर फटाफट पूरी करते हैं। और जब आप लेट गो नहीं करते, उस चीज को पकड़ के रखते हो दिन रात, तब आपका मैनिफेस्टेशन, आपको लग रहा है कि आपने सुबह से शाम तक आपने टेक्निक्स कर लिए, रात में आप पूरी टेक्निक्स डन 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 कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन आपको पता है आप अभी भी उस पहले दिन पे हो जब आपने टेक्निक स्टार्ट की थी, उसी पहले दिन पे खड़े हो, क्योंकि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद ब्लॉक किया है 2 महीने से।
समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको अपने आप को कॉन्शियसली कामों में लगाना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आप दिन भर उस चीज के बारे में ना सोचो, उस चीज के बारे में बार बार सोच के अपना दिमाग, अपने मन में ऐसे थॉट्स क्रिएट ना करो जो आपके मैनिफेस्टेशन से ऑपोजिट जा रहे हैं, यूनिवर्स में क्लैश कर रहे हैं। क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज आपकी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करेगी और आपको आपकी चीज से मिलने में रोकेगी, आपके डिजायर को मिलने में रोकेगी। तो ये तो होता है टेम्पररी लेट गो, और परमानेंट लेट गो होता है कि आपने टेक्निक्स की आप किए जा रहे हो, फिर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे और टेक्निक्स नहीं करनी है, अब मेरा मन नहीं भटक रहा उस चीज के लिए, अब वो आए तो ठीक और ना आए तो ठीक। इस तरह का जब लेट गो होता है ना, तब तुरंत आपकी विश आपके हाथ में आके गिर जाती है और वो आपको मिल जाती है। लेकिन इस तरह का लेट गो होने के लिए ये बिलीफ होना चाहिए कि नहीं, मेरी विश मेरी है और जो भी हम यूनिवर्स मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। जब आपको हर चीज मिल रही है आपकी लाइफ में, टाइम टू टाइम खाना, कपड़े, सांसें, हर चीज आपको मिल रही है, तो क्या आपको ये नहीं मिल सकता जो इंसान, जो यूनिवर्स इतना मैजिक क्रिएट कर सकता है, आपको क्रिएट कर सकता है? आपकी बॉडी में इटसेल्फ कितना मैजिक है, आपकी सिस्टम कैसे क्रिएट किए गए होंगे, आपका शरीर का एक एक अंग कैसे क्रिएट किया गया होगा, जब कोई इतना मैजिक कर सकता है, तो क्या ये मटेरियलिस्टिक चीजें, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, क्या वो नहीं मिल सकती आपको? जरूर मिल सकती है। तो इसीलिए अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आपको इसको और ब्यूटीफुल बनाना है। लेट गो करिए ताकि रिसीव कर पाए आप वो जो आप चाहते हैं, है ना?